नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। आज हम बात करेंगे धनतेरस की कि धनतेरस के दिन कौन सी चीज़ खरीदना चाहिए और उस चीज़ के खरीदने से क्या फल की प्राप्ति होती है, वही इस वीडियो में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि मनुष्य के जीवन में कौन कौन से सुख होते हैं, या कह सकते हैं कि मनुष्य के जीवन में वो कौन से सात सुख हैं? अगर वो सातों सुख अगर आपको मिल जाए तो आपका जीवन धन्य हो सकता है या आपका जीवन सुखमय हो सकता है। तो पहले देखते हैं कि वो कौन कौन से सात सुख हैं। तो पहला सुख है निरोगी काया, मतलब जिसकी काया मतलब शरीर निरोग रहे वो उसके पहला सुख होता है। दूसरा सुख घर में हो माया, मतलब अगर घर में धन धान्य हो तो उसको भी, तो ये भी एक सुख है। पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख क्या हो गया, घर में हो माया। तीसरा सुख सुलक्षणा नारी, मतलब जो आपकी पत्नी है वो सुलक्षणा मतलब अच्छे चरित्र वाली होना चाहिए, ये मनुष्य का तीसरा सुख है। चौथा सुख पुत्र हो आज्ञाकारी, और जो चौथा सुख है वो हो कि आपका जो पुत्र है वो आज्ञाकारी हो, आपका ओबीडियंट हो, ठीक है। पाँचवा सुख अच्छा हो बासा, बासा मीन्स आपका घर मतलब आपका खुद का मकान हो, आप एक अच्छे भवन में रहते हो, ये इंसान का पांचवा सुख है। छठा सुख अच्छा हो पासा, पासा मीन्स होता है आस पड़ोस, यानी अगर आपकी आस पड़ोस अच्छी है तो ये भी एक सुख के समान ही है, यानी जो छठा सुख है वो क्या है, अच्छा हो पासा मतलब आपकी जो आस पड़ोस है वो अच्छी हो। सातवां सुख मित्र हो घनेरे, मतलब आपके घनिष्ठ मित्र हो, ये इंसान का सातवां सुख है। और अगर ये सातों सुख किसी इंसान को है तो उसका जीवन सुखमय है, उसके जीवन में किसी प्रकार का दुख नहीं है। मान लीजिए इन सातों सुखों को आपको प्राप्त करना है तो इस धनतेरस को हम ऐसी कौन सी चीज़ खरीदें कि ये सातों सुख हमें प्राप्त हो। तो चलिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इन सातों सुख को प्राप्त कर सकते हो, अगर मैं जो बता रहा हूँ उन चीज़ों को आपने धनतेरस के दिन खरीदा तो। वैसे मैं ये नहीं कहता कि इन चीज़ों के खरीदने से ही ये सुख प्राप्त होते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें अगर आप खरीदते हो तो उसमें कुछ फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा, उससे आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा आपके इन सुखों को वृद्धि करने में, सुखों को प्राप्त करने में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़, आप धनतेरस के दिन गणेश और लक्ष्मी की जो प्रतिमा है चांदी की, उसको खरीदिए और फिर उसको घर में स्थापित कीजिए। देखिए, स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि हमने मूर्ति लाए और लाके अपने जो भगवान का घर है या सिंहासन है उसमें रख दी और अपना काम खत्म हो गया, नहीं। उसको बाकायदा उसका जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको करिए, इसके बाद ही वो उसका असर जो मिलता है वो सही मिलता है, अदरवाइज़ वो एक सामान्य मूर्ति बन के रह जाती है। तो पहली चीज़ क्या है कि आप धनतेरस के दिन लक्ष्मी गणेश की चांदी की मूर्ति लाइए और उसको स्थापित कीजिए। दूसरा काम को आपको क्या करना है कि आपकी जो गृह लक्ष्मी है, गृह लक्ष्मी में आपकी मम्मी हो सकती है, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी पत्नी भी हो सकती है, इनको आप धनतेरस के दिन कोई भी वस्त्र खरीद के दीजिए या फिर आभूषण खरीद के दीजिए। या तो आप वस्त्र मतलब कपड़े खरीद सकते हो या फिर कोई भी आभूषण यानी कि उनके पहनने की कोई जो गहने होते वो खरीद सकते हो। आप इस दिन चांदी के सिक्के, श्री यंत्र या गणेश और लक्ष्मी का जो सिक्का आता है चांदी का, जिसमें लक्ष्मी और गणेश दोनों बने रहते हैं, इस प्रकार की चीज़ें भी आप खरीद सकते हो। आप धनतेरस के दिन पीतल का बर्तन जरूर खरीदिए और उस पीतल के बर्तन को धनतेरस के दिन यूज़ भी कीजिए, ऐसा नहीं खरीद के लाके हमने रख दिया, नहीं, खरीद के लाइए और उसका यूज़ भी कीजिए। आप चाहे घंटी खरीद सकते हो या फिर कोई थाली वाली कुछ भी खरीद सकते हो, लेकिन ऐसी चीज़ खरीदना जिसका आप उपयोग कर सकें। तो धनतेरस के दिन पीतल की कोई चीज़ खरीदना है और उसका उपयोग भी करना है उसी दिन। धनतेरस के दिन आप एक पैकेट नमक का खरीदिए, एक नहीं, आप उसे ज़्यादा भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप धनतेरस के दिन सुबह नमक का पैकेट खरीदेंगे और फिर इस पैकेट से धनतेरस से लगा के भाई दूज तक यानी 5 दिन आप उस नमक के पानी से घर का पोछा लगाएंगे। आप मतलब आपके घर में जो भी हैं आप उनको पोछा लगाइए, उससे क्या होगा कि आपके घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो दूर हो जाएगी, और जब घर की नकारात्मक शक्ति दूर हो जाती है, घर शुद्ध हो जाता है, घर का वातावरण शुद्ध होता है, तो आपको वैसे ही सुख मिलता है घर में। अगर आपको संतान का सुख पाना है तो आपको धनतेरस के दिन एक 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदना है, 7 मुखी रुद्राक्ष खरीदना है और उसको दीपावली के दिन उसकी पूजा करना है, अभिषेक करना है और उसके बाद उसको धारण करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको संतान सुख अवश्य प्राप्त होगा।
जो सातवां उपाय है वो ये है कि मिट्टी के दिए आपको धनतेरस के दिन खरीदना है और धनतेरस के दिन से लगातार आपको भाई दूज तक उन दीपक को जलाना है। मतलब आप जितने चाहे खरीद सकते हो, फिर उनको डेली आप धनतेरस से भाई दूज तक उसको जलाइए, ठीक है। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो कोई भी चलने वाली चीज़ जो गतिमान चीज़ है आप उसको खरीदिए। कोई मशीनरी खरीद सकते हैं, कोई गाड़ी खरीद सकते हैं, जैसे लोग कुछ लोग गाड़ियाँ खरीदते हैं, तो गाड़ियाँ या जो भी चीज़ खरीदते हैं उसका कारण यही होता है कि कोई भी चलायमान चीज़ है जो प्रोग्रेस को शो करती है। अगर कोई चीज़ चलने वाली अपन खरीदते हैं तो वो प्रोग्रेस को शो करती है। तो अगर इस दिन ऐसी चीज़ ली जाए जो कि चलने वाली हो, वो भी आज के दिन खरीदना बहुत ही शुभकर होता है। तो अभी मैंने आपको जो 7 चीज़ें बताई है, अगर वो 7 चीज़ें या उनमें से कोई भी चीज़ अगर आप इस धनतेरस को खरीदते हो, तो जो मैंने उधर 7 सुख बताए थे उन सुखों में आपकी वृद्धि जरूर होगी। और अगर आपके पास वो सुख नहीं है तो आपको भगवान की कृपा से वो सुख जल्दी से जल्दी, माँ लक्ष्मी की कृपा से जल्दी वो सुख प्राप्त होंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।